नगर निगम शिमला की मासिक बैठक उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में हुई। बैठक की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष के पार्षदों ने शिमला में पानी की समस्या को लेकर सदन में हंगामा किया और पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के पार्षद महापौर की कुर्सी के नजदीक बैठकर नारेबाजी करने लगे। महापौर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द सभी विधायकों के साथ मिलकर प्रभावित स्कीमों का दौरा करेंगे, सभी को पानी दिया जाएगा। बीजेपी की रुदुल भुट्टा की पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि पानी की समस्या को लगातार उठाती रही हूं, सदन में भी इस मामले को उठाया गया है। कांग्रेस पार्षद कह रहे हैं कि पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी शासित वार्ड में 5 से 6 दिनों बाद लोगों को पानी मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पानी देने में भेदभाव किया जा रहा है। कि जो है यहाँ पर जो चहितों को पानी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है कि आज पानी को लेके हम सभी लोगों ने अंदर प्रोटेस्ट किया और इसका मेन कारण यही था कि पिछले 1.5 महीने से जो शिमला शहर की जनता है वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, पानी नहीं मिल रहा है। और जैसा कि हमने पेपरों के माध्यम से प्रेस के थ्रू ही ये पढ़ा था कि कुछ एक वार्ड हैं जिनमें टूटू मजियाट का नाम आ रहा था कि 8वें और 9वें दिन वहाँ पे पानी आ रहा है, तो इसी चीज़ को लेके और पानी के मुद्दे को लेके हमने एक प्रेस वार्ता की थी। तो वहाँ के जो पार्षद हैं उनका कहना था कि हमारे वार्ड में जो है वो पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अगर वहाँ पे ये चीज़ है कि वहाँ पे पानी आ रहा है थर्ड या फोर्थ, तो या तो प्रेस वालों ने गलत दिया है कि वहाँ 8th या 9th डे पानी आ रहा है। और ये मेरे भी नॉलेज में था क्योंकि वहाँ के लोगों के जो वहाँ की पहले के पार्षद हैं उनके थ्रू भी ये हमारे को फ़ोन पे जानकारियाँ मिल रही थी कि वहाँ जो है 8th और 9th डेज पानी आ रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे पानी आ रहा है रेगुलर उसमें, तो इसका मतलब तो ये है कि पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। तो हमारे वार्ड में पानी क्यों नहीं आ रहा था, हमारे वार्ड में 5 और 6 डेज में पानी आया हुआ है। और जब ये पानी दे रहे थे तो VIP को वो करते हुए दे रहे थे कि ये VIP लोग हैं, इनको पानी क्यों, पानी तो बेसिक नीड है, सबको पानी चाहिए है, पानी के बिना तो किसी का गुजारा नहीं है। इसी चीज़ को लेके आज हमने सदन में ये सदन नहीं चलने दिया और हमने सभापति महोदय से यही मांग की कि हमारी सरकार कहाँ है, नगर निगम कहाँ है। वही ढली वार्ड से भाजपा पार्षद कमलेश मेहता ने भी कांग्रेस शासित नगर निगम पर पानी के आवंटन पर भी VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। कमलेश मेहता ने कहा कि उनके वार्ड से किसी व्यक्ति ने जब पानी की मांग की तो प्रशासन की ओर से पहले शहर में VIP को पानी देने की बात कही गई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के पार्षद खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है, जबकि शहर में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं, मैंने खुद फोन नहीं किया था, मेरे वार्ड से किसी ने पानी के लिए फोन किया तो उनको वहाँ से जवाब आता है कि हम पहले VIP को पानी देंगे, अगर पानी बचेगा उसके बाद हम आपको देंगे। उसके बाद मैंने इनको एक सोशल मीडिया में पोस्ट डाली कि मेरे लिए मेरी पब्लिक ही VIP है और हमें बेशक मुझे मत दो पानी, लेकिन मेरी पब्लिक को पानी मिलना चाहिए। और हमारा एरिया ऐसा है जहाँ टैंकर नहीं जा सकता है और घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहाँ बाल्टी उठा के जाएंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि VIP कोई नहीं है, VIP पब्लिक है। हाँ, ये इनके लोगों खुद ही मान रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने खुद कहा है कि हमारे यहाँ पानी आ रहा है, इसका मतलब इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये खुश है, इनके 6ठे दिन पानी आए, 10वें दिन पानी आए, तो इनकी पब्लिक भी खुश है। ये तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है जब ये कुछ नहीं बोल रहे, जब 2018 में पानी के क्राइसिस आए थे तो हमारे भाजपा के पार्षद खुद प्रोटेस्ट किया था अपनी सरकार के, क्यों लोगों ने हमें जिता के भेजा। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आपदा के समय में बीजेपी के पार्षदों द्वारा राजनीति करना सही नहीं है। बारिश के बाद परियोजनाओं में गाद आई है, जिसके बाद परियोजनाओं को रिस्टोर करने में समय लग रहा है। सभी वार्डों में समान रूप से पानी दिया जा रहा है। बीजेपी पार्षदों के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। सभी पार्षदों के साथ इन परियोजनाओं की विजिट की जाएगी। न्यूज डेस्क, एनवर लाइव।